हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बारबेक्यू स्टाइल स्वीट कॉर्न। तो ये स्वीट कॉर्न हम लोग शैलो फ्राई करके बनाएंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो एक पॉट में गर्म पानी कर लिया है मैंने, इसमें ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। और अभी आपको इसको एक उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद इसे स्वीट कॉर्न ऊपर आते हैं, बस गैस को बंद कर देना है। और इस स्ट्रेनर पर हम लोग निकाल लेंगे इसको। इसका जो पानी है वो अच्छे से आपको सुखा लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। और अभी इसमें हम लोग ये नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये काली मिर्च पाउडर और कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर जैसे चाहे वैसे ऐड करेंगे और लगे बाद में तो डालेंगे। अभी हाथ से आपको इसको अच्छे से ऐसे मिला लेना है और इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। मग डाल के रखा था इसलिए इसको इससे थोड़ा सा पानी छूट जाता है और अच्छे से कॉर्नफ्लावर की एक पतली लेयर उस पर बन जाती है। और एक कढ़ाई में अभी तेल डाल देंगे। तेल को आपको इसे चारों तरफ फैला लेना है। गैस को हाई फ्लेम पे रखना है और स्वीट कॉर्न डाल देंगे। तुरंत इसको हिलाना नहीं है, एक साइड उसकी थोड़ी सी होने देंगे फिर इसको हिलाएंगे। गैस के फ्लेम को हाई पे ही रखना है। और अभी हम लोग ये दोनों तरफ से हो गए हैं, इसको हम लोग अभी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रखेंगे। और 2 मिनट बाद फिर आपको हाई फ्लेम करना है और इसको इस तरह से चला लेना है हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। बस अब ये बनके तैयार है। तो आप इसका आवाज़ सुन सकते हो, ये क्रिस्पी बनते हैं पर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। अगर आपको बहुत क्रिस्पी पसंद है तो आप डीप फ्राई कीजिए, पर ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, थोड़े से ऑयल में बन जाते हैं। आप इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको गर्म गर्म ही सर्व करना है, ठंडे होने के बाद ये सौगी बन जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर से प्याज और धनिया पत्ती डाल देंगे, आपको अच्छा लगे तो नींबू डाल दीजिए। ये अभी बनके तैयार है।